वो है कि हाल में तो दिल कहीं लगता नहीं, हाल में तो दिल कहीं लगता नहीं, और लग जाए तो फिर हटता नहीं। और इसमें एक शेर कहने का मन है मेरा, क्योंकि शेर और शायरी चल रही है, कि जिसको खो जाने का डर है ना मिले, जिसको खो जाने का डर है ना मिले, फांसला रख के ये दिल मिलता नहीं। और शायरी तो हो ही रही है, मैं अपनी विधा में आपको पहले दो चार छंद, जैसे त्रिलोक जी का आग्रह है कि मैं चांद उसे उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता, चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता, सांप के डसे का विष फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। अरे अरे मजाक तो नहीं कर रहे? अच्छा, चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता, सांप के डसे का विष फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। संगमरमर मधु भरी देह दिखती है वासना में विष भरा, संगमरमर मधु भरी देह दिखती है वासना में विष भरा, अंक नहीं दिखता जब से हमारा पेट भरने लगा है यारो, हमें दुनिया में कोई रंक नहीं दिखता, जब से हमारा पेट भरने लगा है यारो, हमें दुनिया में कोई रंक नहीं दिखता, हमें कोई दुनिया में रंक नहीं दिखता, हमें कोई दुनिया में रंक नहीं दिखता, घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है। ये तो मैं जानता हूं, इस छंद से पहले कहता भी हूं, जब देश बहुत कमजोर था तो हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुए, हुण आए, यवन आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, अब ऐसा लगता है देश मजबूत हो रहा है, लोग लूट लूट के भाग रहे हैं। घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है। इससे पहले एक क्षण और कहना चाहता हूं मैं, कि जहां तक छाया रही बीज उगने ना दिया, ऐसा वट वृक्ष वो विराट कैसे हो गया, जहां तक छाया रही बीज उगने ना दिया, ऐसा वट वृक्ष वो विराट कैसे हो गया, दूसरों का हक छीन छीन कर खाने वाला चतुर सुजानों में वो लाट कैसे हो गया। और हमें इतिहासों में पढ़ा जाता है यह वह सम्राट है, वह यह बादशाह है, कहीं कहीं किसी मुल्क में तो अभी जमीन की सीलिंग भी नहीं हुई है, वहां अभी भी लोकतंत्र बहाल नहीं है, मेरा संकेत समझना, जहां तक छाया रही बीज उगने ना दिया, ऐसा वट वृक्ष विराट कैसे हो गया, दूसरों का हक छीन छीन कर खाने वाला चतुर सुजानों में वो लाट कैसे हो गया, एक भी कमाने वाला जिनके घरों में नहीं, एक भी कमाने वाला जिनके घरों में नहीं, उनके घरों में ठाट बाट कैसे हो गया, एक भी कमाने वाला जिनके घरों में नहीं, उनके घरों में ठाट बाट कैसे हो गया, दस बीस डाल के डकैतियां डकैत हुआ, दस मुल्क लूट के सम्राट कैसे हो गया। अगर ऐसे होते तो वो विदेशी यहां नहीं आते, तो घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, ऊंचे महलों के वो उजाले नहीं दिखते, घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है,
ऊंचे महलों के वो उजाले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता, तो गाली दे रहा हूं बड़े लोगों को, अगर कहीं ऐसा आपका पैर भी दब रहा हो तो ताली बजा के समर्थन करना। घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, ऊंचे महलों के वो उजाले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। छोटे से व्यवसाय में अरबपति दिखते हैं, 100 कंपनियां हैं 90 फर्जी। ये देश उन्हीं की वजह से निर्धन है, गरीब है। तो घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, ऊंचे महलों को वो उजाले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। छोटे से व्यवसाय में अरबपति दिखते हैं, छोटे से व्यवसाय में अरबपति दिखते हैं, गुपचुप होते ये घोटाले नहीं दिखते। सत्ता हथियाने को बड़े ही मुद्दे दिखते हैं, उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। सत्ता हथियाने को क्या कहने हैं सत्यपाल जी, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। ऐसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। और हजारों की संख्या में विदेशी कंपनी भारत में आ रही है। गाजियाबाद में एक कवि सम्मेलन में मैं गया, मैंने वहां एक जगह कह दिया कि अभी हिंदुस्तान में तो कुछ भी नहीं बनता, सुई भी बाहर से आती है, तो बुरा मान गए। आयोजक ने पेमेंट करते समय कहा कि तुमने ऐसा कहा कि हिंदुस्तान में कुछ नहीं बनता, कहले कि कोई बात नहीं, अगली बार ये कह दूंगा सब कुछ बनता है। लेकिन सच ये है कि एक छोटा सा जापान रेल का इंजन अभी भी हिंदुस्तान को सप्लाई करता है, केवल असंबल होता है चितरंजन में। तो हजारों की संख्या में विदेशी कंपनी भारत में आ रही है, भारत की कंपनी दम तोड़ रही है, यहां के उद्योगपतियों ने कुछ नहीं किया। एक छंद कहना चाहता हूं, कागज के फूल यहां असली से दिखते हैं, कागज के फूल यहां असली से दिखते हैं, पतझड़ में जरा चमन नहीं दिखता। कागज के फूल यहां असली से दिखते हैं, पतझड़ में जरा चमन नहीं दिखता। कारखानों से धरा पे सुविधाएं दिखती हैं, धुआं धुआं होता ये गगन नहीं दिखता। कारखानों से धरा पे सुविधाएं दिखती हैं, धुआं धुआं होता ये गगन नहीं दिखता। हमको विकास की ऊंचाइयां तो दिखती हैं, हमको विकास की ऊंचाइयां तो दिखती हैं, झोपड़ी डकारता भवन नहीं दिखता। हमको विकास की ऊंचाइयां तो दिखती हैं, झोपड़ी डकारता भवन नहीं दिखता। जब से विदेशियों ने मन मेरा मोह लिया, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता। जब से विदेशियों ने मन मेरा मोह लिया, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता। धरती से पानी निकलेगा अर्जुन जैसा बाण चाहिए, धरती से पानी निकलेगा अर्जुन जैसा बाण चाहिए, मरघट के मुर्दे उठ जाएं, ऐसा स्वर में प्राण चाहिए, आजादी को कायम रखने की खातिर बलिदान चाहिए, अभी सुभाष जी मरे नहीं है, जनता में ईमान चाहिए। क्या कहना,